शाह है, सिंपल है, रूहानी है, उसमें थॉट है, वो कोई भी चीज़ ऐसी रैंडमली नहीं करती, उसके पीछे सोच होगी, उसके पीछे कारण होगा। और आई थिंक वो कहीं ना कहीं इमोशनली, वैसे आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट इमोशनली कार्तिक एंड हर्ष आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, मतलब मुझे भी पोएट्री पसंद है, शेर व शायरी पसंद है, तो ये मेरा कैरेक्टर है। एंड कहीं ना, एंड ऑल्सो कार्तिक पूर्णिमा जो है वो उनकी क्लास है, मतलब कि नॉर्मल खानदान से, मिडिल क्लास खानदान से, बट इमोशनली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका नेचर काफ़ी सेम शायद होते हैं, दैट इज़ वाई वो अप्रिशिएट करते हैं, दैट्स वाई दे लाइक। सर एक्चुअली क्योंकि हमारे चैनल हम फोकस तो ऑल इंडिया करते हैं, हम ऐसा अगर मतलब सिर्फ अगर एक स्टेट पर करते तो शायद मैं पूरे पंजाबी में बोल रहा हूँ, पर हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि ऑल इंडिया, नॉर्थ इंडिया जो हमारा बेस है वो सबको काफ़ी, और जो इवन राइटिंग में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो किसी होते हैं, जो भी रिजर्वेशन हैं, वो हम ओवरऑल वो ही करते रखते हैं जो सारी स्टेट्स में, स्टेट स्पेसिफिक इतना नहीं करते, बिकॉज हमारी जो रीच है वो मतलब आप बिहार में भी देख रहे हैं और हिमाचल में भी देख रहे हैं। बट वैसे एक कहानी हमने सर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बात का मतलब आप सावरिया तो नहीं बना सकते हम कि एकदम कहीं और ही चले गए, मतलब कुल मैं कि फैमिली पंजाबी जी, फैमिली पंजाबी, बैकग्राउंड पंजाबी, बट मुद्दे भाषा वो सारी वैल्यूज वो सब नॉर्थ इंडियन, पंजाबी कल्चर देखने को और उसमें एक इंसान आया वो बुरा ही है और वो पूरे सीरीज में बुरा ही रहेगा बैंड में, वो जो अच्छी है वो ब्रांडिंग में जाती रहेगी, तो ये एक फॉर्मेट था जो बहुत यूज़ हुआ, शायद चला इसलिए लोग इसे ऐसा फॉर्मूला यूज़ करके बार बार। हमारा शो अलग इसलिए है क्योंकि ये प्रीडोमिनेंट और लव स्टोरी में प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं है कि एक इंसान बुरा गया, एक्चुअली जो मेरी मॉम का कैरेक्टर है हमारे शो में एक्चुअली वैसे कोई विलन नहीं है, बट जो मेरी मॉम का कैरेक्टर है वो ये है कि वो खुद उनका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, खुद वो काफ़ी खूबसूरत है, लोग उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो पहनेंगी जो करेंगी वो एकदम ब्यूटीफुल हो, और सारी ऐसा हो जाता है कि जो उनका बेटा है उसको जो तभी अच्छी लगती है, वो साफ ही है, वो सिंपल है, और क्योंकि उसकी सोती की माँ है तो उसकी फ्रीडम की माँ मतलब उसके ऊपर आपका बेटा है सब कुछ है, उसको सेकेंड रेट सिटीजन ना तो उसको पैसे दिए जाते हैं वो उतना फैशन वगैरह और ना ही उसका मन, तो ये है। तो आई थिंक जो सास बहू के सागर है वो यहाँ पे एटलीस्ट हमारे पास खास है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब एक शादी पूरी दूसरी दूसरी, और राइटिंग जो है वो ऑलरेडी साउथ का एक शो है हमारे पास वो है, और आई थिंक यहाँ पे एटलीस्ट मेरे पास ज़्यादा करते हो, यूजली जो है वो फीमेल रिलेटेड ड्रामा हो जाता है, आगे सर सूट कर के आना बस कर क्या हो गया, तो वो नहीं है यहाँ पे भी खा लिया, बट डेफिनेटली जो हमारे मेकर्स हैं जो ये शो बना रहे हैं उन्होंने पहले जो शो बनाया था वो मेरे साथ वो बनारस में इक्वालिटी का फैमिली में फैमिली को सब, तो यहाँ पे भी हमारा जो गोल है वो ये रहेगा कि वरना तो अगर हम सेम चीज़ देखें तो लोग देखेंगे। अच्छा उसमें जो है कि आपने बताया कि पूर्णिमा के बाद क्या हर्ष को इसके पूर्णिमा के लिए मेहनत करनी पड़ती है या पूर्णिमा उसे आकर्षित होता है? सर ऐसा है कि मेरी नेक्स्ट मंथ वो ट्रैक आएगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम वेयर मैं उनके साथ भी आ सकता हूँ, मेरे साथ भी आ सकता हूँ, तो आई थिंक प्रॉब्लम्स तो नॉट जस्ट मेरे फैमिली के एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद उनकी फैमिली की एक्सेप्टेंस है, और भी बहुत सारे ट्रैक हैं फैमिली में जो उनकी फैमिली तरफ से प्रॉब्लम है, मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, मुझे नहीं लगता कि मतलब छः महीने में भी ऐसा होगा। सब देखने में आता है कि लड़का लड़की को करता है ज़्यादातर, मतलब इसमें कैसा मतलब कहने की इसमें लड़की का भी है सर, ऐसा तो मुझे लग रहा है इंडिया में तो करना ही पड़ेगा, शायद नेक्स्ट जनरेशन होगी तो उसके उल्टा होगा। जी जो टीवी सीरियल होते हैं शॉप अप होता है, बड़ा लंबा सीरियल खींचना पड़ता है, चलाना पड़ता है और स्टोरी नई नई ईजाद करनी पड़ती। एक्चुअली जो चेंज हुआ है ये है कि सर है तो बिजनेस ही, मतलब अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे हैं तो बिजनेस है, पहले जो एवरेज लेंथ होती थी एक सीरियल जो चलता था वो होते थे 8 साल 5 साल, अब वो काफ़ी कम हो गई है, अब मतलब 3 महीने भी हो गए हैं 6 महीने भी हो गए, तो उसकी बात है कि ऑडियंस भी अब बेटर है क्योंकि उनके पास ज़्यादा चांसेस ज़्यादा ऑप्शन हैं, तो वो लिहाज भी हमारे ऊपर है कि भाई इतना लंबा हम भी नहीं खींचना, एक तो चीज़ को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेकर्स को भी, मुझे नहीं कि हम ये करते हैं उसके बाद कुछ और कर लेंगे,
अगर अच्छा नहीं होता। दूसरी बात ये कॉम्प्लेक्स की कि पहले भी कुछ ऐसे कैरेक्टर दो शो ऐसे आए जहाँ पे कास्टिंग गर्ल थी, लेकिन फर्क हमारे और उन शोज में ये है कि वहाँ पे जो कैरेक्टर था तो काला था, वो खुद अपने आप को बेचारी समझती थी, वो खुद रोती थी कि हे भगवान मुझे ऐसा क्यों बना दिया, ये है लाचार। वो हमने चेंज किया है क्योंकि वो हम सोच हम फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर वो ऐसा है कि हम जो साइकोलॉजी है उसमें और बेचारे को लाचार कर दे रहे हैं साइकोलॉजी के लिए, तुम काले हो तुम्हारे तो जिंदगी गई, तुम्हें तुम किसी भी चीज़ में बेस्ट एक्सपेक्ट मिलेगा छोटे। तो यहाँ जो लड़की है वो कॉन्फिडेंट है, और यहाँ पे वो ये कहती है कि हाँ मैं काली होगी मेरी माँ से, और आपको बदल गए सोच तो आप बदल गए, मैं अपने आप